हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की व्लॉगिंग जो है थोड़ा ना लेट ही स्टार्ट कर रही हूँ, और वैसे इतना लेट भी नहीं हुआ है ज़्यादा, लेकिन लेट आज इसलिए हो गया क्योंकि सुबह जो है वो लेट उठे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। तो आज ना इसलिए हुआ क्योंकि कल जो है तेजस जो है 11:30 बजे सोया था, तो उस वजह से ना हम सब के सब जो है सुबह मॉर्निंग में लेट उठे हैं। और वो कल रात, क्योंकि कल शाम को जो है वो 7 बजे तो उठा, और उसके बाद जाके वो थोड़ी देर खेला, तो इतनी जल्दी तो कहाँ सोता वो, तो इस वजह से जो है सुबह मॉर्निंग में लेट हो गया है। तो मैंने तेजस को फटाफट से ना स्कूल के लिए रेडी करके उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, और हस्बैंड जो है उसको स्कूल छोड़ने के लिए गए हैं, तो उसके बाद ही जो है फिर मैंने हस्बैंड के लिए जो है ब्रेकफास्ट बनाया उनके लिए भी, तो तब जाके मैंने जो है घर का काम करना स्टार्ट किया है। तो मैंने पहले तो घर का जो है पूरी बिस्तर की हालत ऐसी ही हुई पड़ी थी, क्योंकि सामान जो है वो ना सुबह ऐसा ही होता है, इधर से उधर पड़ा ही रहता है, तो वो मैंने सारा जो है वो उठाया सबसे पहले। तो मैं कर रही हूँ घर के जाले साफ। तो आज ना सिर्फ जो है हॉल में ही जो है मैं जाले निकालूंगी, और कमरे के और किचन के जो है वो कल निकालूंगी। वैसे इतने हो नहीं रखे हैं, बस साफ हो रखा है, इतने थोड़े बहुत ही हो रखे कोने कोने पे, और इतने नहीं हो रखे। गर्मियों में ज़्यादा होते हैं, गर्मियों में इसलिए होते हैं ना क्योंकि खिड़की दरवाजे हम खोल के रखते हैं, तो उस वजह से ज़्यादा होते हैं। और सर्दियों में तो खिड़की दरवाजे बंद ही रहते, इतनी तेज़ हवा चलती है, कौन खोले उनको। सुबह तो बहुत ही तेज़ हवा चलती है, और दिन के टाइम पे मतलब मैं जब पोछा लगाती हूँ ना, तभी बस थोड़ा सा एक ही दरवाज़ा खोल के रखती हूँ कि वो जल्दी से सूख जाए। वैसे तो मैं सारा दिन भर जो है उनको बंद ही करके रखती हूँ, कौन खोलेगा, बहुत तेज़ हवा चलती है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे बर्तनों का ढेर तो इतना हो रखा है ना कि ऐसा लगता है कि ना हमने घर के जितने बर्तन हैं ना वो सारे यूज़ कर डाले हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धोने के लिए पहले ना गर्म पानी किया, क्योंकि ना बर्तनों में जो जैसे हम घी वगैरह खाते हैं तो उसमें ना चिकनाहट सी हो जाती है, तो वो ऐसे ना निकलते नहीं है, और निकल भी जाता है ना तो वो फिर ना ऐसी मतलब प्लेट वगैरह में लगी रहते हैं। तो उसके लिए मैंने किया गर्म पानी। पहले मैंने गर्म पानी से जो है ना उनकी चिकनाहट जो है वो निकाली, उसके बाद जाके बर्तनों को फिर धोया। तो यहाँ पर मैंने बर्तनों को धोने के बाद उनको जो है बाहर रख दिया है, ताकि बर्तन जो है वो अच्छे से सूख जाए, और ना उनमें स्मेल वगैरह भी जो है वो ना आए। इसलिए मैं बर्तनों को तो बाद में ही लेके आती हूँ, दिन के 2 बजे जाके लेके आती हूँ। जब मैं दोबारा बर्तन मांजती हूँ ना लंच के, तो फिर वो अच्छे से सूख जाते हैं, तो उनको लगाने के बाद फिर उनके बाद उसके बाद जो है लंच के बर्तन जो है फिर उनको मांज के फिर उनको बाहर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज जो है गैस वगैरह जो है उसको भी साफ़ किया, क्योंकि गैस भी जो है वो भी बहुत गंदी हो रखी थी, क्योंकि उसमें भी हम करछी वगैरह रखते हैं ना, तो इस वजह से जो है वो भी गैस को भी जो है क्लीन करना पड़ता है हर दूसरे दिन। तो वो मैंने जो है गैस को भी जो है अच्छे से धो के, फिर उसके बाद पूरी किचन की सफाई करने के बाद फिर मैंने जो है झाड़ू लगा ली थी। तो अब झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछा लगाने में इतना टाइम लगता है ना, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बाहर जो है ना पूरे निशान लगे हुए हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ना यहाँ पे बच्चे ने खाए थे अनार, तो उसने पूरे घर पे पता है क्या अनार खाता, फिर उनके जो मतलब अनार के जो दाने होते हैं ना उनको पैरों से पिचकाता रहता है पूरे घर में ऐसा करके, या तो हाथों से निचोड़ता रहता है। उसके तो अलग ही, बच्चों की तो पता नहीं क्या है, अलग ही खेल चलते रहते हैं, और फिर ना दो तो फिर वो रोने लग जाते हैं, और मना करो तो रोने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं तो फिर उसको उनको खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा खाते कम में बिखेरते ज़्यादा। बिखरे हुए तो ऐसा ही होता है, खाने में भी अगर उनको चावल दो वो खाएंगे कम, और बिखरे हुए तो ज़्यादा ही मिलेंगे। तो यहाँ पे पोछा मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम जो है पोछा लगाने में ही लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गंदा होता है ना पूरा घर, तो इस वजह से। तो यहाँ पे घर का जो है अंदर का सारा काम तो हो चुका है, तो मैं यहाँ पे जो है अब आ गई हूँ कपड़े। हाथ कपड़े धो गए थे ज़्यादा, क्योंकि कल भी नहीं धोए थे तो इकट्ठे ही धोने, मैं तो दो दिन के बाद ही जो है, क्योंकि ठंड होती है ना, तो इस वजह से मैं तो 2 दिन के इकट्ठे करके ही धोती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वैसे ना एक ये विंटर के कपड़ों में एक फ़ायदा है कि इनमें ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ब्रश लगाएंगे ना तो ये तो बेकार हो जाते हैं। इनको तो ऐसे निरमा में ही अच्छे से ऐसे हाथों से ही मींदो, थोड़ी हाथों से ज़्यादा वो करना पड़ता है, ऐसा ब्रश नहीं मारना पड़ता। तो यहाँ पर जो है
ये आज मुझे ब्लैंक मतलब चादर वगैरह भी हो गई थी, तो आज मुझे कपड़े जो है ना वो छत पे सुखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि जो ना हमने यहाँ पे जो है वो लगाई हुई थी जाली, तो उसकी वजह से जो है हमें तार को जो है ना तोड़ना पड़ा दोनों बालकनियों की, क्योंकि वहाँ पे जाली जो है वो लग नहीं रही थी। तो इस वजह से आज मुझे जो है छत पे, क्योंकि इतनी जगह है नहीं, मैंने लगाई थी वो उस पर एक ही में ही लगी, तो यहाँ पे जो है मैंने कपड़ों को जो है छत पे सुखा दिया है। तो फिर उसके बाद मैं तेजस को नहा धो के तेजस को लेके आई। तेजस को लेके आने के बाद फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे हस्बैंड लेके आए थे मेथी, वो कल रात को ही लेके आए थे, लेकिन रात को जो है वो लेट हो गया था। मैंने बोला इसको तो छिलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, इसको बनाए मैं ना कल बनाऊँगी। तो इसको ना मेथी को बाहर रख दिया था ताकि ये जो है मतलब ख़राब ना हो। तो यहाँ पे वैसे तो थोड़ी सी सुकड़ सी भी गई है, तो यहाँ पे मैं और दूसरी तरफ जो है मटर भी लेके आ गए। मैंने कहा मटर तो ऑलरेडी ही पड़े थे, तो फिर से लेके आ गया मैं उनको, मटर को छीलूँगी और फिर उसके बाद मेथी को। तो मेथी में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि अभी मुझे जो है ना दिन का लंच भी बनाना है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो लंच करने के लिए घर पर ही आते हैं। वैसे तो आज मैं ना लंच में जो है ना मैं सिर्फ पुलाव बनाने की ही सोच रही हूँ, तो आज दाल नहीं बनाऊंगी। दाल कल ही बनाई थी, कड़ी परसों बनाई थी, और दिन में ना ऐसे ही कन्फ्यूज़न होती है कि क्या बनाए, रोज़ के रोज़ क्या बनाए बस। और हमारे तो घर में जो है ना दिन में चावल ही बनते हैं, रोटी तो खाते ही नहीं है वो, तो कि सब्जी ही बना लो इसको। मैं पहले यही सोची थी मेथी को छील के ना रोटी ही बना लूँगी, लेकिन हाँ मेरे को पता है कि वो हस्बैंड ना दिन में रोटी नहीं खाएंगे, उनको चावल ही चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा कि मेथी को छील के इनको जो है ना रात को बनाऊंगी, और अभी जो है ना पुलाव बना दूंगी। यह है छोटी सी वीडियो, अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना ताकि आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए। और हाँ फ्रेंड, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही स्वस्थ रहना, खुश रहना और मुस्कुराते रहना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।